गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, MSM1 अज असी गल करते हाँ बाबा शेख फरीद जी की। यह जिहड़ा लैक्चर तुसी सुनन जा रहे हो यह हंस राज महिला महाविद्यालय जलंधर पंजाबी विभाग प्रोफेसर नवरू थानू मुखातिब ने। तो असी गल करनी है अज शेख फरीद बाबा शेख फरीद जी की MA Semester 1 बाबा शेख फरीद जी उन्हां दा जीवन उन्हां दी रचना। फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर नू आम लोग बाबा शेख फरीद जां बाबा फरीद जी दे नां नाल याद करते हैं। वह 12वीं सदी के चिश्ती सिलसिले के सूफी संत अते प्रचारक सन। उन्हां दा जन्म मुल्तान पाकिस्तान तो 10 किलोमीटर दूर पिंड कोठीवाल विखे होया। उन्हां दे पिता जी जमालुद्दीन सुलेमान अते माता जी मरियम बीबी सन। उन्हां नू पंजाबी बोली दे आदि कवि वजो जाणिया जांदा है। उन्हां दी रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भी दर्ज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां दे 4 शब्द अते 112 श्लोक हन। उन्हां दी बाणी विच विचली रब मिलन दी तांग, निम्रता, सादगी अते मिठास उन्हां नू सब लोकां विच आदर योग अते हरमन प्यारा बनांदी है। बाबा शेख फरीद जी दीआं रचनावां विच शब्द श्लोक फुटकल श्लोक शामिल हन। शब्द की जदों गल करदे हाँ तो उन्हां दे जिहड़े शब्द हन तुसीं इत्थे सामने देख रहे हो, दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर सिकांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए भार थीए। सो इस विच परमात्मा नूं दिलों मुहब्बत करन वाले जिहड़े हन उही लोग सच्चे हन उन्हां दे बारे विच दसदे होए उन्होंने ये शब्द जिहड़ा उह लिखिया। और फिर उन्होंने एक होर शब्द है, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तन हो सीखा निमानी गौर करे। सो इस विच भी उन्होंने परमात्मा नाल लिब लाउण दा सुनेहा दिता। और फिर एक उन्हों का बहुत ही प्यारा शब्द है, तप तप लोह लो हाथ मरोरो, बाबल होई सो सौ लोरो, तैं सह मन मैं किया रोस, मुझ अवगन सह ना ही दोस, तैं साहिब की मैं सार न जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली, पिरह बिहोन कतै सुख पाए, जा होए कृपा ता प्रभ मिलाए। बहुत सोहने दुनियावी प्रतीक लैके उन्होंने गल की है कि किवें परमात्मा दे नाल सानूं अपने आप नूं अपनी लीव नूं जोड़ना चाहिए है। बहुत वधिया एक शब्द उन्हां दा है, बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, कि जदों वेला सी ही मनुख उदों तां तूं अपने दुनियावी कम्मां काजां च रुझिया रहा ते कोई ध्यान ना दित्ता ते नेक कर्मां दा बेड़ा तूं बंध ना सक्या। बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, भर सरवर च पुछ लै तब तरन तू हेला, हाथ ना लाए कसुम बड़े जल जासी ढोला, एक आपी ने पतली सह केरे बोला। सो इत्थे भी उन्होंने परमात्मा दे नाल अपना चित लाउण दा सुनेहा दिता है, मनुख नूं समय सिर परमात्मा दा नाम ध्यान दी गल कीती। सो जदों असीं उन्हां दे शलोकां दी गल करदे हाँ तां इह तुसीं सामने देख पा रहे हो कि किन्ने शलोक हन उन्हां दे। सो इन्हां दे बारे विच इत्थे विस्थारपूर्वक जे तुसीं जाणा होवे तां तुसीं इत्थे देख भी सकदे हो। देखो इस विच दित्ता होया, उठ फरीदा उजू साज गुजार, साई ना निवै सो सिर कप उतार, फरीदा बेनवाजा कुत्या ई न भली रीत, कभी चल ना आया पंजे वक्त मसीत, फरीदा पन्नी घड़ी सवनवी टूटी नागर लच, जो सज्जन पोए पार से पार थे से क्यों आवै अज। सो किन्ने ही श्लोक उन्हां दे इस विच हैगे ने, फरीदा इट सिराने भोए सवन किया लड़ियो मास, केतड़िया जुग वापरे इक तू पाया पास। बाबा फरीद ने सारे श्लोकों के विच इस मनुखी शरीर की नाशमानता की गल की है,
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਹੇ ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਕਿਸਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭੱਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁੱਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਭਾਇਆ ਜੱਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੈ ਕੰਧੀ ਕੇਰੇ ਹੇਤ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਪਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਪਾਤਨ ਰਹੇ ਸੁਚੇਤ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ, ਤਲੀਆਂ ਚੂੰਡੇ ਕਾਗ, ਅਜੇ ਸੁਰਬ ਨਾ ਬਹੁੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੰਡਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋੜ ਲੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।